हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ चैप्टर थ्री, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो पिछले पार्ट में हमने टाइप्स कर लिए थे किसके, फाइबर्स के, दोनों ही बेस पर, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स. और हमने पॉलीमर्स पढ़े थे. तो उस पॉलीमर्स में, मतलब फाइबर्स को ही हम पॉलीमर्स बोलते हैं. तो अब हम कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. उसमें सबसे पहले आता है आपका ये रहा. यहाँ पर कुछ ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे रायोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक. इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर फ्रॉम वुड पल्प. जो रायोन होता है, रायोन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है. ये वुड पल्प से बनाया जाता है. वुड पल्प का मतलब है जो गूदा होता है, मतलब जो, मतलब लकड़ी होती है, वुड होती है. वुड किससे बनी होती है, सेलुलोज की. तो उसके छोटे छोटे पीस करके उसको वाटर में खूब अच्छा तरीके से उबाला जाता है, तो एक गूदा बन जाता है, मीन्स पल्प बन जाता है. ठीक है. द वुड पल्प इज डिजोल्व इन एल्कलिन सॉल्यूशन एंड देन पास थ्रू टेनी पोर्स टू कन्वर्ट दैम इंटू फाइबर्स. फिर वुड पल्प जो बन जाता है, हम उसको एल्कलिन सॉल्यूशन. एल्कलिन सॉल्यूशन क्या होता है, जो बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेस, जिसके अंदर बेस होता है. बेसिक सॉल्यूशन में उसको हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, और फिर उसको टिनी पोर से हम उसको पास करते हैं. तो क्या होता है, जब टिनी पोर से निकलेंगे तो वो एक फाइबर की फॉर्म में बन जाएगा. लेकिन जो फाइबर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, जो फाइबर बन जाते हैं ना, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में पास करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि वो हार्ड हो जाए. देन द फॉर्म दे आर पास थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक देम हार्ड. जो फाइबर आपके बने थे उसको हम हार्ड करने के लिए किसमें कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में, ताकि वो हार्ड हो जाए. देन फाइबर्स आर स्पून इन टू यार्न एंड देन वोवन टू फैब्रिक. फिर जब वो फाइबर्स हार्ड हो जाते हैं, फिर उनसे हम एक यार्न बनाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा रस्सी बनाते हैं. कोन जो आती हैं, जो आप देखते हो सिलाई के लिए, जो धागा आता है लिपटा हुआ, उसको यार्न बोलते हैं. फिर उस यार्न का यूज़ करके हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं. और उस फैब्रिक से हम जो हम कपड़े पहनते हैं वो बना लेते हैं. ठीक है. इट रिजेंबल्स इन द अपीरेंस एंड इट इज इट रिजेंबल्स इन द अपीरेंस इट रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. जो नेचुरल सिल्क होती है ना, इसको देखने में ये बिल्कुल उसी सिल्क के जैसी लगती है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी डाइड इजिली. जो रेयन होती है वो सिल्क से मंदी होती है, और उसको हम अलग अलग कलर में रंग सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार. ठीक है. रेयन इज ऑल्सो नोन एज रीजनरेटेड फाइबर. रेयन को हम रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिफॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सेलुलोज फाइबर. क्योंकि पहले से फाइबर होता है सेलुलोज का, उसको हम दोबारा से दूसरे फाइबर में बदल रहे हैं, मतलब रीजनरेट कर रहे हैं. फाइबर से ही फाइबर बना रहे हैं, तो रीजनरेट हो गया ना. रीजनरेट का मतलब हो गया दोबारा से बनाना. तो हम फाइबर को ही दोबारा बना रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, रीजनरेटेड फाइबर कौन सा हो गया, रेयोन. अगर आपसे पूछा जाए वाई रेयोन इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, तो आप बताएंगे बिकॉज रेयोन फाइबर इज जनरेटेड फ्रॉम द सेलुलोज फाइबर. जो एक फाइबर है उसी से दूसरा फाइबर बनाया जा रहा है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर. इसको हम सेमी सिंथेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो क्या है, नेचुरल नेचुरल मटेरियल है. ठीक है. और इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड दिस कैन बी कंफर्टेबली वॉर्न इन समर. जो रेयन होता है, रेयन से बने कपड़े जो होते हैं वो पसीने को सोख सकते हैं, और गर्मियों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए हम इसको गर्मियों में आसानी से पहन सकते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रेयोन. ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन. ठीक है. आई विल प्रोवाइड PDF. यूजेस ऑफ रेयोन. यूजेस ऑफ रेयोन में इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं. रेयोन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जो बहुत बड़े लेंथ आते हैं ना, थान, मतलब एक कपड़ा होता है बहुत बड़ा, जिसमें से हम ले लेकर अपने शर्ट पैंट सिलवाते हैं, तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़े था जो लेंथ वाले कपड़ा होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. रेयोन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, ड्रेस, एप्रोन्स एंड कैप्स. जो रेयोन होता है, रेयोन को हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये बेडशीट बनाने में,
ड्रेस बनाने में, एप्रोन बनाने में और कैप्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेवन इज मिक्स व्हील टू मेक ब्यूटीफुल ड्यूरेबल कारपेट्स। ड्यूरेबल कारपेट्स का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले। ठीक है, तो रेयोन को हम किसके साथ मिक्स कर देते हैं? वूल के साथ। रेयोन को जब हम वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो जो मटेरियल मिलता है उस मटेरियल से हम क्या बनाते हैं? कारपेट बनाते हैं, जो कि बहुत ड्यूरेबल होते हैं। रेयोन इज यूज टू मेक टायर कोड्स। टायर कोड्स के मतलब जो टायर होते हैं ना, टायर की जो रस्सी होती है, आपने देखा होगा टायर्स में से थोड़े थोड़े फाइबर्स से निकले रहते हैं, उनको टायर कोड बोलते हैं। ठीक है, वो भी किसकी बनी होती है? रेयोन की। रेयोन इज यूज टू मेक बैंडेज एंड लिंट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। जो बैंडेज होती है या लिंट मीन्स जो पट्टी होती है, वो भी हमारी किसकी बनी होती है? रेयोन की। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब जैसे किसी के चोट लग जाती है उसके ऊपर पट्टी करने के लिए भी जो हम पट्टी यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है? रेयोन फाइबर की बनी होती है। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे नायलॉन की। हमारा रेयोन कंप्लीट हो गया। रेयोन क्या क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, ये क्या क्या कहलाता है, इसके क्या क्या यूजेस है, वो कंप्लीट होने के बाद अब हम किसकी बात करेंगे? नायलॉन की। नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय द ह्यूमंस। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर का मतलब है कि इसको बनाने के लिए हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते। ये कम्प्लीटली किससे मिलकर बना होता है? केमिकल से। जो केमिकल हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं उन केमिकल से किसको बनाया गया था? नायलॉन को बनाया गया था। ठीक है, नायलॉन इज डेराइव फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ लंदन। ठीक है, जो नायलॉन नेम आया है वो न्यूयॉर्क और लंदन से आया है। एन न्यू का एन वाई, यॉर्क का वाई, एन वाई और लंदन का LON। ठीक है, तो ये क्या बन गया? नायलॉन। अब इन दोनों सिटीज़ का नाम क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले नायलॉन जो हुआ था दो सिटीज़ में एक साथ डिस्कवर हुआ था। तो अब इनके साथ क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया कि अब जो नाम है फाइबर का वो कौन सी सिटी रखे, न्यूयॉर्क रखे या लंदन रखे। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो नाम रखा गया वो दोनों सिटी का मिल के रख दिया ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नायलॉन जो नाम है वो दो सिटीज़ न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि ये यहाँ पर एक साथ ही डेवलप किया गया था। ठीक है, जो नायलॉन होता है वो पॉलीमाइड यू जो यूनिट होती है मोनोमर यूनिट्स उनके पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसलिए नायलॉन की मोनोमर यूनिट क्या हो गई? एमाइड हो गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन, यू विल हैव टू से एमाइड इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन। नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लस्टर्स हाईली इलास्टिक। जो नायलॉन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लस्टर्स मतलब उसमें चमक होती है, और इलास्टिसिटी मतलब वो खूब खिंचावपन होता है, वो रबड़ की तरह खिंच सकता है। एक्सट्रीमली फाइन का मतलब है बहुत बारीक होता है। लाइट वेटेड होता है, लाइट वेट का मतलब होता है बहुत हल्का होता है, उसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है, उसको आसानी से धो, इजी टू वॉश, उसको आसानी से धो सकते हैं, रिंकल फ्री, मतलब नायलॉन का अगर कुछ भी चीज़ है उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसके ऊपर जो दीमक होती है, फंगी होती है, उसका भी अटैक नहीं होता है। और जितने भी मोस्ट ऑफ दिस सॉल्वेंट्स होते हैं उन सब में क्या होता है? ये इंसोल्यूबल होता है, उसमें डिजोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो नायलॉन के यूज़ होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नायलॉन फाइबर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, पैरासूट फैब्रिक्स, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट रैकेट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रिस्टल्स फॉर टूथब्रशेस एंड पेंट ब्रशेस। तो क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो रैकेट्स की स्ट्रिंग होती है या सितार या गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं या टूथब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं या पेंट ब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तो इट इज़ मेड फ्रॉम नायलॉन। नायलॉन के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज नायलॉन हैज़ द हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द फाइबर्स। जितने भी फाइबर्स होते हैं चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, उन सब में नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से
फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप, मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं माउंटेनियर, उनकी रोप्स जो होती है, पैराशूट का जो कपड़ा होता है, और रैकेट्स की या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग्स होती है या ब्रिस्टल्स होते हैं टूथब्रश के या पेंट ब्रश के, वो सभी किसके बनाए जाते हैं? नायलोन के। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, नायलॉन इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, मतलब बहुत सारे क्लॉथ्स बनाने में यूज किया जाता है, जैसे साड़ी, शर्ट, नेक टाई, सॉक्स एंड अदर गारमेंट्स। वी ब्लेंडेड विद नायलॉन टू मेक सॉक्स, सूट एंड कारपेट्स। जब हम नायलॉन को वूल के साथ मिला देते हैं तो इससे क्या बन सकता है? सॉक्स बन सकते हैं, सूट बन सकते हैं और कारपेट बन सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, नायलॉन इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ ए मशीनरी सच एज वॉशर एंड पुलीज। जो नायलॉन होता है वो मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है? वो जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होते हैं उनके पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वॉशर हो गया, पुलीज हो गई, वो सब किसकी बनाई जाती है? नायलॉन की। अगर नायलॉन की भी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसी के साथ आज हम ये दो फाइबर ही पढ़ेंगे, रायोन एंड नायलॉन। रायोन को लिखेंगे, फिर उसके यूजेस लिखेंगे, फिर नायलॉन को लिखेंगे, फिर उसके यूजेस लिखेंगे। ठीक है, पॉलिएस्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को साथ के साथ आप फिर नोटबुक में लिखते रहेंगे, ठीक है, नोट्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।